एक समय की बात है, भगवान शिव का धरती पर अवतार आया था। वह भूमि पर अपने भक्तों की मदद करने के लिए आए थे। एक रात जब अंधकार धरती को आवरण कर रहा था, उन्होंने अपने भक्तों को प्रेरित किया कि वे उनकी विशेष रात्रि की उपासना करें। शिवरात्रि के रात्रि में उनके भक्तों ने जागरण की और शिव का ध्यान किया। वे भोले बाबा की उपासना करते रहे और उनकी महिमा का गान किया। वहीं धरती के किनारे एक गांव में एक साधु जी की आवाज सुनाई दी। उन्होंने लोगों को शिवरात्रि के महत्व के बारे में बताया और उन्हें भगवान शिव की पूजा करने का आदेश दिया। गांव के लोगों ने उनकी बात मानी और उन्होंने गांव के शिव मंदिर में मिलकर भगवान शिव की पूजा की। उन्होंने व्रत रखा, मंदिर के आसपास प्रदक्षिणा की और भजन की। जब वे उनकी उपासना कर रहे थे, धरती के तत्काल पास महाकाल नामक देवता का तांडव शुरू हो गया। वह ध्वनि आसमान में गूंज रही थी और भूमि हिल रही थी, लेकिन शिव के भक्तों ने अपनी उपासना न छोड़ी और अपने प्रिय भगवान की भक्ति जारी रखी। ध्वनि बढ़ती चली गई और धरती के तत्काल पास लोगों ने भी तांडव का अनुभव किया। इस प्रकार शिवरात्रि के रात्रि में भगवान शिव के ध्यान करने वाले उनके भक्तों ने उनके तांडव को देखा। शिवरात्रि के इस विशेष दिन को लोग धरती पर उनके प्रिय भगवान की पूजा और उपासना के साथ मनाते हैं। इसे महाशिवरात्रि के रूप में जाना जाता है, जो भगवान शिव के ध्यान का महत्वपूर्ण अवसर है और उनके आशीर्वाद को प्राप्त करने का माध्यम है।